हे एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का वीडियो आज यो हॉल वीडियो है, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली हॉल वीडियो। आई हैव ऑर्डर्ड वेरी फ्यू आइटम्स फ्रॉम आजियो, इट्स वेरी लेस, 5-6 आइटम्स आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम आजियो, बट आई वॉज थिंकिंग कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो लेट्स जम्प इन टू द वीडियो। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट। ये एक चैन है जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। तो ये ना इसमें 3 लेयर्स हैं। पहली लेयर जो एकदम पतली सी है, यू कैन सी, ये इसमें एक छोटा सा प्यारा सा दिल है, और यहाँ पर एक चैन है, बीच वाले में चैन है, और जो लास्ट में है जो सबसे लंबा आपको दिख रहा है उसमें एक लॉक है, बट इसकी कोई की नहीं है, ये सिर्फ लॉक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने 201 में लिया था, ये मैंने 201 में लिया था। लेट्स चेक दी अदर आइटम्स। सो दिस इज़ द नेक्स्ट प्रोडक्ट। ये ब्राउन कलर का ट्राउज़र है, ये स्ट्रेट फिट ट्राउज़र है, हाई वेस्ट है, और इसमें ना आपको एक बकल मिल जाएगा, बेल्ट है, और सामने आपको जिप मिल जाएगा। इसमें कोई भी आपको पॉकेट नहीं है, और इसका मटेरियल सॉफ्ट है, बट एक इसके ऊपर कोई टेक्सचर टाइप का बना हुआ है इसके ऊपर, तो बट ये बिल्कुल भी चुभेगा नहीं, इसके स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। कंफर्टेबल है, लूज़ फिट है, तो अगर आप ऑफिस में या कॉलेज जा रहे हो तो आप आराम से इसको वेयर कर सकते हो, मतलब इसको लॉन्ग टाइम 5-6 आवर्स तक आराम से पहन के रख सकते हो, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये मैंने लिया था 452 में। एक्चुअली इसके पीछे एक कहानी है, मैंने सेम ऑर्डर किया था, मतलब थोड़ा सा डार्क कलर था जो मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था, और उसका मटेरियल भी सेम जो इस पर टेक्सचर बना हुआ है वैसा ही उसमें भी टेक्सचर था, बट वो थोड़ा सा सॉफ्ट था। बट ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्किन को प्रॉब्लम कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा सॉफ्ट था, बाकी एवरी थिंग वॉज सेम, लाइक ये बेल्ट भी था, जिप भी था, उसमें भी पॉकेट नहीं थी, इसमें भी पॉकेट नहीं है, और उसका प्राइस था 550 से ज़्यादा था उसका प्राइस। तो अकॉर्डिंग टू द प्राइस आप इसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, बट ओनली वन थिंग विच आई हैव ऑब्जर्व जो मुझे मतलब प्रॉब्लम कर रहा था, ये एक्चुअली इसका जो ये जो एरिया है ना, ये मुझे ना चेस्ट तक जा रहा था, ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर है, और इसकी लेंथ भी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा हो रही थी। तो आई थिंक या तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा या फिर मुझे इसको ऑल्टर करवाना पड़ेगा, लेट्स सी क्या कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल ये अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आपकी हाइट 5'2" से भी ज़्यादा, थोड़ी सी भी ज़्यादा है, तो ये आपको परफेक्टली आएगा, और साइज़ जो आपका है आपको उसी साइज़ में बुलाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना कुछ भी स्ट्रेचेबल आपको इसकी कमर पे कुछ भी स्ट्रेचेबल टाइप मटेरियल नहीं है। ये मैंने 30 में ऑर्डर किया था, और ये 30 में मैंने ऑर्डर किया था, बट ये मुझे थोड़ा सा लूज़ हो रहा था, तो अगर आपकी मतलब कमर 29 है तो आप 28 ऑर्डर करेंगे तो आई थिंक ये आपको परफेक्ट आ जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट है ये स्कर्ट। ये शॉर्ट स्कर्ट है, इसका मटेरियल भी अच्छा है, सॉफ्ट है, बहुत कंफर्टेबल है, मैंने इसको भी ट्राई किया था, और इसमें आपको यहाँ पर कोई बेल्ट नहीं है, ये इसकी कमर इसमें इलास्टिक लगी हुई है दोनों साइड में, और ये जो मोटा चौड़ा सा बॉर्डर नहीं होता ये वो है, और साइड में आपको इसमें एक स्लिट मिलेगा, छोटा सा कट है साइड में। तो ये पहनने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी, आप इसको डिफरेंट टाइप से स्टाइल कर सकते हो, अगर आप स्कर्ट और ये सब पसंद करते हो तो ये डेफिनेटली आपको चेकआउट करनी चाहिए। बट एक्चुअली आई हैव ऑर्डर्ड सेम फ्रॉम मीशो, तो मीशो पे सेम टेक्सचर था, मतलब जो इसका डिज़ाइन है उसका डिज़ाइन भी सेम था, तो मैंने ये ऑर्डर किया था बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कि क्या डिफरेंस है, बिकॉज दोनों की प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस था। ये मुझे मिली थी 240 समथिंग की, ये मुझे मिली थी 282 की, और जो मैंने मीशो से ख़रीदी थी उसका प्राइस था 167, तो इतना मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा। अगर आपको स्टाइल करने के लिए चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द मीशो वाला स्कर्ट, मैं लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप चेकआउट कर सकते हो, और पहनने के बाद दोनों का फील सेम था, कोई भी डिफरेंस नहीं था। तो अगर आप इस टाइप की स्कर्ट अपने वार्डरोब में मतलब ऐड कर रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली चेकआउट दिस, और पहनने में कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सो दिस इज़ द नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ दिस वाइट कलर का स्कर्ट है, ये फ्लेयर्ड स्कर्ट है, इसमें भी आपको यहाँ पर
जैसे उसमें एक हार्ड सा मटेरियल यहाँ पे लगा हुआ था, बट इसमें कोई हार्ड मटेरियल नहीं है, ये खुद मतलब ये मटेरियल ही स्ट्रेचेबल है अगर आप इसको देख सकते हो तो। और ये देखने में बहुत ही कूल लग रहा है, वाइट कलर का है, फ्लेयर्ड स्कर्ट है, और इसमें ना यहाँ पे साइड में चेन लगा हुआ है अगर आपको लूज़ थोड़ा करना है तो। बाकी ये मैंने मीडियम साइज़ में ऑर्डर किया था और मुझे एकदम परफेक्ट आया है, तो यू कैन डेफिनेटली चेकआउट। इसका प्राइस था आई थिंक ये मुझे वन सेकेंड हाँ तो इसका प्राइस था ये 248 में मुझे पड़ा था, बट ये 248 के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है, और मतलब बहुत फील गुड वाला था, ऐसे यहाँ से भी आपको कमर पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ये भी अच्छा प्रोडक्ट है। मैं ये सजेस्ट करूँगी अगर आपको वाइट पहनने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो, इसका मटेरियल ज़्यादा अच्छा है, ये मतलब ज़्यादा पहनने में कंफर्टेबल लग रहा था। और अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दैट चेक वाला स्कर्ट तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट फ्रॉम मीशो। सो इन सारे प्रोडक्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप मुझे कमेंट करके आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो कि आपको किस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है, तो आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोस। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको किस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है, तो मैं ट्राई करूँगी उस टाइप का वीडियोस बनाने की। और अगर आप चाहते हैं कि मतलब आई नीड टू इम्प्रूव समथिंग, सो आई विल डेफिनेटली ट्राई। सो दैट्स ऑल, और हाँ यस, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये आपको कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।